पहले स्टॉप पे स्टॉप लिया है, पसीना तो देखो भाई क्या आ रहा है जोरदार। ये है यहाँ पे एक कुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या दर्शन करने को मिलते हैं। हेलो गाइस, आज हो चुकी है 17 अगस्त और हम आज जा रहे हैं छोटे महादेव, जो कि सारनी से लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर में है। खाना बन रहा है, दीदी और जीजाजी भी आ रहे हैं। दोस्तों नहा के हो चुके हैं तैयार, अब खाते हैं खाना और निकलते हैं यहाँ से छोटे महादेव जी के लिए। तो अब निकल रहे हैं भैया फाइनली। रास्ते में यहाँ पर पड़ता है हनुमान डोल, हनुमान जी महाराज का मंदिर, जिसके दर्शन हम करेंगे वापस में रिटर्न में आते हुए। तो फाइनली बैतूल से तकरीबन 30 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुँच चुके हैं छोटे महादेव। अब यहाँ पर जो है ऊपर, यहाँ पर हमें जाना होगा दर्शन करने के लिए महादेव जी के। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। इस छोटे महादेव को भोपाली के नाम से भी जाना जाता है। तो भोले बाबा के दरबार में जाने से पहले थोड़ी सी प्रसादी यहाँ नीचे से ही हम ले लेते हैं। पहले स्टॉप पे स्टॉप लिया है, पसीना तो देखो भाई क्या आ रहा है जोरदार। कमेंट में हर हर महादेव लिख देना।
और ये है भोपाली स्थित बड़ा देव। यहाँ पर भी जो है चलेंगे थोड़े टाइम के बाद, पहले करते हैं भोले बाबा के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन। यहाँ दर्शन के लिए लगी हुई है लाइन, आज वैसे काफ़ी कम भीड़ यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। तो बड़ी मेहनत के बाद बाबा महादेव के दर्शन करके आ गए हैं नीचे। हर बोला हर हर महादेव। इसलिए परीक्षा अब इधर बाकी है, अब शुरू होती है। यहाँ तक तो फर्स्ट क्लास सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ है जिनके साथ चढ़ना है। और देखो हमारे जिया जी स्पेशल डंडा लेके फटाफट चढ़ जा रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद ऊपर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो है एक और गुफा नज़र आ रही है, इसमें भी देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
है छोटे महादेव में सबसे ऊपर टॉप की चोटी। यहाँ पर कुछ पक्षी, चूहे की आवाज़, वन बागुर बहुत सारी है उल्टी लटकी हुई। इन्हें चमगादड़ भी यहाँ पर कहा जाता है। और ये जो स्थान है यहाँ पर कभी गाय की गौशाला हुआ करती थी ऐसा माना जाता है। सबसे ऊपर वाली गुफा के दर्शन के बाद यहाँ बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप, कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा नेचुरल नज़ारा है। और मैं यहाँ पर दो तीन बार आ चुका हूँ लेकिन पहली बार यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप की चोटी पे आया हूँ। इससे पहले जो है यहाँ टॉप की चोटी पे नहीं आया था, नीचे से ही बाबा के दर्शन करके वापस हो चुके थे। चलिए थोड़ा और ऊपर यहाँ पर चलते हैं, और भी ऊपर यहाँ पर जो है कुछ और नज़ारे आपको दिखाते हैं। झरना है जो नीचे तक जाता है। ये है यहाँ पे एक कुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या दर्शन करने को मिलते हैं। और यहाँ करीब 15 से 20 फीट गहराई में आने के बाद यहाँ पर जो है बाबा की जोत जलती हुई नज़र आ रही है। तो भाई ये है भोले बाबा की जोत, यहाँ पर जल रही है, आप लोग भी दर्शन कर लो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। भोलेनाथ बजरंगबली महाराज की जय। ये है यहाँ महादेव की, छोटे महादेव की सबसे ऊंची चोटी। तो अब फाइनली सभी भगवानों के दर्शन कर लिए हैं, पूरा नज़ारा आपको दिखा चुके हैं, और अब यहाँ से पहुँचते हैं सीधे नीचे और फिर नीचे लेंगे प्रसाद। भंडारा है बाबा का।
हैं हम, ऊपर से आ चुके हैं पूरे नीचे। और कमाल की बात यह है कि नीचे आते तक हमने एक भी रेस्ट नहीं लिया। अब आ रहे हैं रिटर्न। तो रास्ते में एक जगह एक शानदार बरगद का पेड़ है विशालकाय, जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कितना पुराना पेड़ होगा ये कम से कम। अब वापस में आ चुके हैं हनुमान डोल, हनुमान महाराज जी के मंदिर में करते हैं यहाँ पर दर्शन। फाइनली हनुमान बाबा के भी दर्शन करके अब यहाँ पर जा रहे हैं घर। और इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।